बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई व सय्यदिल मुरसलीन खातमिन नबियीन मुहम्मदिन व अला आलिही व अहले बैतिही व सहबिही अजमाइन अम्मा बादु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला क़द बदतिल बग़्ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद एक ऐसी जामे माने और कामिल किताब अपने बंदों की रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाई है जिसमें हर किस्म का मवाद मौजूद है जिससे इंसान को सीधे रास्ते की रहनुमाई हो सके। माजी के अहवाल अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तफसील से बयान फरमाए और वाक़ियात और कसस से इंसानी जहन की नश्व नुमा का सामान फरमाया और इंसानों की फलाह व बहबूद की जानिब कहीं सराहतन कहीं इशारतन तस्किरा फरमाया। हालात से इंसानी नफसियात से अल्लाह के बंदों के सोच फिक्र और आइडियालॉजी से वाकिफ कराया ताकि इसको सामने रख कर इसकी रोशनी में मुसलमान इस्लाम की सरबुलंदी और उसकी कामयाबी का रास्ता तलाश करे और ख़ुद अपने लिए नजात और दुनिया और आखिरत की फलाह का रास्ता मुंतखब करे। इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में जो लोग मुसलमान नहीं हैं, जिन्होंने इस्लाम को अपने लिए पसंद नहीं किया है, जो अपने आबाओ अजदाद के तरीक़े पर कायम रहने को आसमानी दावत पर जमने के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर और पसंदीदा समझते हैं, उन लोगों की सोच और फ़िक्र क्या है। एक मुसलमान को दुनिया के तमाम इंसानों के साथ रहने के वास्ते और इस रहने में अमन और सुकून कायम रखने के वास्ते उनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। हर मुसलमान कुरान करीम पढ़े समझे और जो रहनुमाई अल्लाह ताला ने दी है उससे भरपूर फ़ायदा उठाए। कुरान एक ऐसी किताब है जो इंसानों की इस आबादी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को तरजीह देती है वो अमन अमान है, और अमन अमान का क़ियाम समाज में बसने वाले तमाम लोगों के नज़रियात और ख़यालात को समझने पर मुमकिन है। उसको अगर न समझें तो आलमी अमन व भाईचारा कायम नहीं हो सकता। इस वास्ते के अमन व अमान के वास्ते कुछ कुर्बानी हर एक को देनी पड़ती है। कुर्बानी कहाँ देंगे कहाँ नहीं देंगे, किस चीज़ में अपने बरादरान वतन के साथ समझौता कर सकेंगे और किन चीज़ों में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होगी, ये एक इल्म है जो एक मुसलमान को मुसलमान बाकी रहने के लिए जानने की ज़रूरत है। बहुत से मौके हैं जहां ईसार से काम लेना चाहिए, लिया जा सकता है, और इस्लाम
انسانیت نواز مذہب ہے اور اسلام انسانیت کے حقوق کی سب سے زیادہ وکالت کرتا ہے اور اس کی پاسداری کی تعلیم اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ انسانیت کا احترام اس درجے تک پہنچ جائے کہ انسانیت کے خالق و مالک کے احترام میں کمی ہونے لگے۔ اس لیے کچھ باتیں ہوں گی جو اس میں کوئی سمجھوتے کی گنجائش نہیں، لو دو کی گنجائش نہیں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جس کے اندر آدمی دوسرے کے خاطر اپنے حق کو چھوڑ دے سکتا ہے اور دوسرے کے خاطر قربانی اور ایثار سے کام لے سکتا ہے تاکہ دوسرے کو راحت ہو اور سماج میں اطمینان رہے، بے چینی نہ رہے، سماج کے اندر نفرت کا ماحول نہ رہے۔ اس کے لیے ایک حد تک جہاں تک مناسب ہے اللہ پاک نے خود مسلمانوں کو ایثار کی تعلیم دی ہے، قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت موقعوں پر بہت سی اپنی انا کی قربانی دی ہے، محض اس وجہ سے کہ اللہ کا دین یہ امن و امان کے ساتھ پھلتا پھولتا رہے اور اللہ کے بندوں تک پہنچتا رہے۔ امن ہوگا تو سوچنے سمجھنے کا موقع ہوگا، امن ہوگا تو کسی دعوت پر غور کرنے کا موقع ہوگا، امن نہیں ہوگا تو اس کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے، آپ کی کفالت اور آپ کے امن میں رہنا چاہے، فَأَجِرْهُ، آپ اس کو امان دیجئے، آپ اس کو امان دیجئے، اپنی کفالت میں لیجئے، حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ آپ کے ماحول میں رہ کر اللہ کے کلام کو سن سکے، تاکہ وہ قرآن مجید کو سن سکے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر ان کو ان کے ٹھکانے پر پہنچا دیجئے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، ایسا اس لیے کہ ایک قوم ہے جو بالکل سمجھتی نہیں، نادان اور ناسمجھ قوم ہے، جو ضد و ہٹ دھرمی کے رستے پر ہوتی ہے، جس کو آبائی تعصب کھا جاتا ہے، جو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے والی نہیں۔ یہ مزاج اس زمانے میں بھی یہودیوں کا تھا اور یہی مزاج مشرکین مکہ کا تھا۔ یہ لوگ کسی بات پر سنجیدہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ کبھی بھی انسان بھلائی کو جب پاتا ہے، جب وہ مختلف پہلوؤں سے اور مختلف حیثیتوں سے کسی چیز پہ غور کرتا ہے، تب وہ کسی سچے اور اچھے نتیجے پر پہنچتا ہے۔ اور اگر تعصب و تنگ نظری کے ساتھ آدمی کسی بات کو سنے تو اس کو فوراً اس کا ذہن ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ غور تو جب کرے گا جب سمجھے گا، تعصب سننے بھی نہیں دیتا آدمی کو، جب سنے گا نہیں تو سمجھے گا کیسے، اور سمجھے گا نہیں تو اس پر غور کیسے کرے گا، اور اس میں جو بھلائی ہے اس سے فائدہ کیسے اٹھائے گا۔ اس لیے ان کی ضد ہٹ دھرمی اور تعصب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ ان مشرکین کے آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہے مگر سنتے نہیں، دل ہے مگر سمجھتے نہیں۔ سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا کام قلب کا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہیں پر اس سے بات کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان لوگوں کی آنکھیں دیکھ نہیں رہی تھی، کان سن نہیں رہے تھے، دل کام نہیں کر رہا تھا، یہ نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ دنیا اور دنیا کے مفادات کے لیے تو ان کو استعمال کر رہے ہیں،
पर उनका दिल है वो दिल हक को समझने के लिए तैयार नहीं। उनकी आँखें हैं वो आँखें हक को देखने के लिए तैयार नहीं। उनके कान हैं मगर वो कान हक सुनने के लिए तैयार नहीं। और सब दुनिया सुन रहे हैं, दुनिया की हर बात सुन रहे हैं, दुनिया की हर बात देख रहे हैं, दुनिया का हर मफाद समझ रहे हैं, लेकिन जब उनके सामने अल्लाह का पैगंबर अल्लाह की दावत रखता है, तौहीद की बात रखता है, आखिरत का अकीदा रखता है, मरने के बाद उठाए जाने की बात करता है, तो उनके आँखों पर पर्दे पड़ जाते हैं और उनके कान जो है उन पर मोहर लग जाती है। और सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिउन की मिसाल हो जाती है। उनके दिल पर्दे पड़े हुए हैं, कानों पर पर्दे पड़े हुए हैं, आँखों पर पर्दे पड़े हुए हैं, हक बात सामने आते ही सब बंद कर लेते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये भी फरमाया कि जैसे उनके दिलों पर मोहर लग गई है, ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समईहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, जब इतना अपने आप को जानबूझकर अल्लाह की दावत से दूर कर लिया, सुनने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं, गौर व फिक्र करने के लिए तैयार नहीं, तो ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी फिर उनके दिलों पे मोहर लगा दी, कानों पर मोहर लगा दी, आँखों पे पर्दे डाल दिए। अब कुछ भी नहीं उनसे हक की तरफ झुकना होता, हक की तरफ मैलान नहीं होता, वरना हक इतना सैम्पल और सीधी सादी दावत है कि एक समझदार आदमी ध्यान और तवज्जो से बात सुन ले तो उसका दिल उसको कबूल कर लेता है। मक्का के मुशरिकों के कुलूब कुरान को सुनने के बाद उसकी तरफ मायल हो जाते थे। सही बुखारी में हदीस है, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बक्का थे, यानी बहुत ज़्यादा रोने वाले थे, जल्दी रोना आता था, रकीकुल क़ल्ब थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ते थे तो कुरान के उलूम, कुरान के मआरिफ, कलाम इलाही की तासीर से उनका दिल और नरम पड़ता था और वो रोना शुरू कर देते थे, बहुत मुतासिर होते थे उससे। तो लोगों ने उनको बहुत सताया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगरचे के मक्के के शुरफा में से थे, वहाँ के रईस आदमी थे, लेकिन ये फ़ैसला कर लिया कि मक्के से हिजरत करके कहीं भी चले जाना चाहिए, यहाँ ये लोग मुझे खुदा की बंदगी करने नहीं देते, कुरान की तिलावत करने नहीं देते, इसलिए चले जाना चाहिए। तो निकल गए मक्के से, अकेले चले जा रहे थे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रास्ते में उनको मक्के का एक मुशरिक सरदार इब्न दगीना मिला और मिल करके वो कहने लगा कि अबू बकर कहाँ जाने का इरादा है, अकेले निकल के किधर जा रहे हो? कहा मेरी कौम के लोग मुझे रहने नहीं देते, इसलिए मैं कहीं भी अल्लाह की ज़मीन पर जगह ढूंढ रहा हूँ, कहीं भी जाके बस जाऊँगा, हिजरत कर रहा हूँ। तो इब्न दगीना ने कहा कि आप जैसे लोग निकल भी नहीं सकते, निकाले जा भी नहीं सकते, कौन निकाल सकता है आपको, और आप ख़ुद क्यों निकल सकते हैं अपना वतन छोड़ के, अपना शहर छोड़ के? आप तो बड़े अच्छे और प्यारे आदमी हैं, आप इंसानियत का लिहाज व ख्याल करते हैं, आप गरीबों के माँ बाप मलजम हैं, आप यतीमों और बेवाओं के मददगार हैं, आप मेहमानों के खिदमत गुजार और ज़ियाफ़ हैं, आप हकदार को हक दिलाने के लिए चलते हैं, फिरते हैं, मेहनत करते हैं, ऐसे प्यारे लोग। पांच सिफतों का ज़िक्र इब्न दगीना ने अपनी ज़ुबान से किया, बेन ही वही अल्फाज, वही बातें, वही पांच बातें जो पहली वही के आने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की बेचैनी और घबराहट को देखकर खदीजतुल कुबरा ने उनके बारे में कही थी। अल्फाज भी वही, बातें भी वही। हज़रत खदीजा का कहना घर में हुआ था और आ हज़रत अलैहिस्सलाम को उन्होंने ये बात बताई थी, घर के लोग तो जानते थे लेकिन ये बात मीडिया का दौर नहीं था, फैलने का ज़माना नहीं था, ये बात इन्हीं अल्फाज के साथ
मक्के के पूरे शहर में फैल गई हो और इब्नु दगीना जैसे दुश्मन शख्स तक भी पहुंच गई हो, यह मुमकिन नहीं है। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ने नबी और सिद्दीक को एक दूसरे से इतना मुशाबह बनाया था और उनकी सिफतों में इतनी ममासलत और मुनासबत रखी थी कि दोनों एक दूसरे के लिए यार गार बन गए। वो यार गार की जो इस्तिलाह है, जो मुहावरा है, ये मुहावरा उन्हीं दोस्तों की वजह से है जो गार सौर के अंदर दोनों तन्हा और अकेले थे। गार का साथी, गार का साथी वही है, उन्हीं दोनों की वजह से। कहीं भी किसी को बहुत ज़्यादा क़ुर्बत व मुनासबत होती है एक दूसरे से, तब कहा जाता है ये यार गार है। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफतें सिद्दीक़ अकबर के अंदर थीं, अल्लाह ताला ने उनको अपने नबी जैसा बनाया था। सिफात के एतबार से मकाम व मरतबा तो भाई कहाँ उम्मतियों, कहाँ नबी। आगे हज़रत अबू बकर उसकी अमान में, उसने अपनी अमान में लिया और कहा मेरी अमान में वापस चलो, लेके आए, ऐलान कर दिया अबू बकर मेरी कफालत में है, जो इनको छेड़ेगा गोया के मुझे छेड़ेगा। तो मुशरिकीन मक्का को हिम्मत तो नहीं थी कि इब्नु दगीना से टक्कर लें, झगड़ा करें, खामोश हो गए, कबूल कर लिया इस किफालत को। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ दिन तक तो अपने घर के अंदर कुरान पढ़ते रहे, क्योंकि मुशरिकीन ने कहा था एक शर्त उनसे ले लो कि वो खुले आम कुरान ना पढ़ें, घर के अंदर पढ़ लें, नमाज पढ़ लें, जो करना है अपने दीन पर रहें, अलल ऐलान ना करें। हज़रत अबू बकर को चंद दिनों तक तो इस पर सब्र हुआ, लेकिन फिर उनकी राय नहीं हुई कि मैं यहाँ घर के अंदर बैठ के छुप छुपा के इबादत करूँ। इसलिए सिद्दीक अकबर ने अपने घर के सामने एक मस्जिद बनाई, अपने घर के सामने एक मस्जिद बनाई, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद जो सिद्दीक अकबर ने अपने घर के सामने बनाई थी। हदीस में बुखारी में उसका नाम मस्जिद ही है, बना मस्जिदन फी फिनाई बैत ही, अपने घर के सामने के हिस्से में, अपने घर के सहन में, सामने के हिस्से में उन्होंने एक मस्जिद बनाई, वहाँ नमाज पढ़ते थे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उसी में बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करते थे। और जब वो कुरान पढ़ते थे तो आवाज़ ऊंची हो जाती थी और गिरिया तारी हो जाता था, तो मक्के के औरतें, बच्चे, बूढ़े सब आकर वहाँ खड़े हो जाते थे, सब भीड़ लगाते थे, और अबू बकर से अल्लाह का कलाम सुनने के लिए एक दूसरे को धक्के देते थे, एक दूसरे को ढकेल के घुस के करीब आना चाहते थे ताकि सिद्दीक से कुरान सुने, अल्लाह का कलाम सुने। ये असर कुरान मजीद का है, कुरान की फितरत में अल्लाह ने यह असर रखा है। अब पढ़ने वाला मुखलिस हो, उसका यकीन कामिल हो, उसको अल्लाह ताला की ज़ात आली, उसके हबीब की नबूवत और उसकी लाई हुई किताब की सदाकत जितनी ज़्यादा उसके दिल के अंदर मजबूत होगी, उसके पढ़ने में उतना ज़्यादा असर होगा। ये असर ख़ुद उसके कल्ब पर भी पड़ेगा और जो सुनेगा उसका दिल मुतासिर हो जाए। उन लोगों ने फिर इब्न दगीना को मजबूर किया कि जाके उनसे बोलो कि या तो वो घर के अंदर छुप के कुरान पढ़े, या फिर आप अपनी कफालत ख़त्म कर दो, अमान छोड़ दो उनका, हम देख लेंगे, निमट लेंगे, इस वास्ते कि हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारे बूढ़े, हमें डर है कि ये लोग कहीं मुसलमान ना हो जाए, हमें इसका डर लगा हुआ है। इब्नु दगीना ने आकर कहा कि अबू बकर आपसे एक मुआहदा था, आपने उस वादे के ख़िलाफ़ किया है, या तो वादे के मुताबिक खुले आम कुरान पढ़ना बंद कर दो, ये तुम्हारी नमाज तुम्हारे घर में छुप के पढ़ लो, या फिर मैं अपनी अमान छोड़ दूंगा और अपनी अमान से तुम्हें निकाल दूंगा। जोश में आ गए हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि तू क्या मुझे अपने अमान से निकालेगा, मैं तेरी अमान को ख़ुद मुस्तरद कर देता हूँ, और मेरे लिए मेरे अल्लाह की अमान बहुत काफ़ी है, मैं अल्लाह की अमान में, अल्लाह की पनाह में हो जाता हूँ, तेरी पनाह ख़त्म,
ज़रूरत नहीं मेरी मदद करने की और ज़रूरत नहीं मेरी हिफाजत करने की, मैं अल्लाह की अमान में, उसकी पनाह में, उसकी हिफाजत में। फिर कोई उनको रोक नहीं सका। कहने का मकसद ये है कि कुरान करीम के अंदर ये तासीर है, कुरान करीम के अंदर ये असर अल्लाह पाक ने रखा है। जो पढ़ेगा और अकीदत से पढ़ेगा, अल्लाह की किताब समझ कर यकीन करके पढ़ेगा, उसके ऊपर ज़रूर असर होगा कुरान मजीद का। उसका ईमान मजबूत होगा, उसका यकीन मजबूत होगा, उसके खलजान दूर होंगे, उसके शकूक व शुबहात ख़त्म हो जाएंगे। कुरान ख़ुद ऐसी किताब है जो शकूक को ख़त्म कर दे। कुरान से अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, पहली आयत कुरान मजीद की सूरह फातिहा के बाद क्या कह रहे हैं अल्लाह, ये एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। ज़ालिकल किताब, हाज़ल किताब, ये किताब जो आगे बयान हो रही है पूरी मिनल जिन्नति वन्नास तक, इस किताब में कोई शक नहीं है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये कुरान का एजाज है, ये कुरान की बलागत है कि ऐसी बात कहता है जिसको रद्द नहीं कर सकते। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को, अरबी जानने वालों को भी, कुरान समझ सकने वालों को भी, कुरान करीम में बहुत से शकूक व शुबहात हैं, इसके कलाम इलाही होने में शकूक व शुबहात हैं। इस दौर में तो बाकायदा साजिश के तहत कुरान मजीद में शकूक व शुबहात निकाले जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं। ये कोई नए नहीं है, सदियों पहले से यहूद व नसारा ने ये शकूक उठाए हैं, कुरान पर ये एतराज़ात उठाए हैं, सदियों पहले अहद रिसालत में उठाए हैं, और उस वक्त से यही बातें हैं जो अब 1450 साल गुजरने के बाद भी कोई नई बात नहीं है, वही बातें हैं जिनको फिर से दोहराते हैं, फिर से दोहराते हैं, रह रह के ज़माना गुजरता फिर से दोहराते हैं। और आजकल हमारे मुल्क में एक ऐसी ज़हनियत इक्तदार की भूखी प्यासी बनकर इक्तदार की तरफ रवाना है, और इक्तदार को बहुत हद तक अपने कंट्रोल में रखी हुई है। उसकी तरफ से बाकायदा यहूद व नसारा के ये पुराने एतराज़ात अल्लाह पर, कुरान पर, नबी पर, नबी की सदाकत व सच्चाई पर, नबी की पाकबाजी, इफ़्फ़त व पाकदामनी पर, पुरानी पुरानी बातें वो ढूंढ ढूंढ के निकाल करके कि किस मजहब वाग के दुश्मनों ने, यहूद में किसी ने हुजूर अलैहिस्सलाम को बुरा नहीं कहा, कुछ लोग थे जो उनको बुरा कहते थे। ईसाइयों में सब लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम पर उंगली नहीं उठाई, कुछ बदनसीब थे जो उन पर उंगली उठाते थे। इसी तरीके से मक्का के मुशरिकों में आपको बुरा भला शख्सी तौर पर कोई नहीं कहता था, उनको सिर्फ़ इख्तलाफ़ इस दीन से था, वो अपने बाप दादा का तरीक़ा छोड़ना नहीं चाहते थे, इस दीन को कबूल करना नहीं चाहते थे, लेकिन शख्सियत से राय के दाने के बराबर उनको इख्तलाफ़ नहीं था। तो कहाँ से अब ये सब एतराज़ात आ गए नबी पर, कुरान पर, अल्लाह पर, कहाँ से आ गए? तो वही बातें हैं जो हर मज़हब के कुछ नाइंसाफ लोगों ने, मुतासिब लोगों ने, मुतशद्दिद लोगों ने, और दिलों में बग़्ज़ व हसद भरे हुए लोगों ने कही थीं, वही बातें हैं जो हर ज़माने में रिपीट की जाती हैं, दोहराई जाती हैं, सामने लाई जाती हैं। लेकिन इन इश्कालात की वजह से, इन शुबहात की वजह से, इन डाउट्स की वजह से कुरान में डाउट साबित नहीं हो सकता। इसलिए कि कुरान करीम ने यह नहीं कहा कि यह वो किताब है जिसमें किसी को इश्काल नहीं होगा, बल्कि ये कहा यह ऐसी किताब है जिसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं जिस पर शुबा किया जा सके, ऐसी कोई बात ही नहीं है जिस पर शक किया जा सके। हर चीज जो कुरान में बयान की गई है वह सदाकतों की बुनियाद पर है, वो हकीकतों की बुनियाद पर है, वो वाकयात की बुनियाद पर है। ये तखमीने नहीं है, ये अंदाजे नहीं है, ये बशर और बंदे की मालूमात नहीं है,
ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की बातें हैं जिसमें कोई शक नहीं, शुबा नहीं, गलती नहीं, इख्तलाफ नहीं, भूल चूक नहीं, खता नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह का कलाम है। बस आदमी को गौर के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। अगर पहले नहीं मानता था होगा तो कुरान समझ के पढ़ेगा तो अब मान लेगा कि ये बशर का कलाम नहीं है। लैसा हाज़ा मिन कलामिल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये तो माफ़ोकल बशर कलाम है, इंसानियत से कहीं बुलंद किसी हस्ती का कलाम है। वो तो उसको समझ में आएगा जो कुरान मजीद को अकीदत व एहतराम के साथ पढ़ेगा। और हम कहते हैं कि ना मानने वाला भी पढ़े तो उसके लिए भी अल्लाह ताला रोशनी ही रोशनी सामने कर देगा। क्यों? इसलिए कि वला किन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना, लेकिन हमने इस कुरान को ऐसी रोशनी बनाया जिससे हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हिदायत देते हैं, जिसको देना चाहते हैं हिदायत देते हैं, ऐसी रोशनी बनाया। और इसी कलाम के ज़रिए से हज़रत अलैहिस्सलाम के मुसफ़ा और मुजल्ला कल्ब को रोशनी हिदायत की अता फरमाई। क्योंकि नबी का दिल साफ सुथरा तो हमेशा रहा, पैदाइशी तौर पर साफ सुथरा, अखलाक आला दर्जे के, सोच बहुत पाकीज़ा, काम बहुत उम्दा, ज़िंदगी में कोई चीज़ काबिल एतराज़ नहीं। और 40 साल तक किसी एक बंदे ने एतराज़ नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती पर। ऐसे तो थे लेकिन आपके पास वो नूर और रोशनी अभी तक नहीं थी जिस रोशनी का नाम हिदायत है, वो अभी तक आपके पास नहीं आई थी। जब कुरान उतरा तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लमक मा लम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ए नबी हमने आपको वो उलूम दिए हैं जो आपके पास नहीं थी, आप नहीं जानते थे, हमने दिए हैं। क्योंकि इल्म तो हमारा है, हम जिसको देंगे उसको इल्म आएगा और जिसको हम नहीं देंगे उसको गैब का इल्म नहीं मिल सकता। मुशाहदात से इल्म सब लोग हासिल कर सकते हैं, ईमान वाला क्या बेईमान भी हासिल कर सकता है। आँखों से देखकर, कानों से सुनकर इल्म हासिल करना सब के लिए अल्लाह ने दरवाज़ा खुला रखा है, कोई भी इल्म हासिल कर सकता है। लेकिन वो इल्म जो अल्लाह ने गैब के ख़जानों में रखा है वो अल्लाह ना बताए तो किसी को मालूम नहीं हो सकता। और अल्लाह सिर्फ नबियों को बताता है, और जब नबी को बताता है तो नबी उम्मत को बताते हैं। अल्लमक मा लम तकुन तालम, वो इल्म जो आपके पास नहीं था हमने वही के ज़रिए से आपको अता किया है। वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ये इल्म गैब से आपको आशना कराना ये हमारा आपके ऊपर फ़ज़ल अज़ीम है, बहुत बड़ा फ़ज़ल है। फिर आपके ज़रिए पूरे बंदों पर हमारा फ़ज़ल है, इसलिए अल्लाह ने इस फ़ज़ल अज़ीम को हमारे लिए नबी के ज़रिए से अता फ़रमाया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सिर्फ इस वजह से अच्छे नहीं लगे थे कि उन्होंने जो बात रखी थी वो बात हज़ार मरतबा सही क्यों न सही, वो बात 1,00,000,000,000 मरतबा सच्ची ही सही, लेकिन हमारे आबा व अजदाद की बातों के खिलाफ है। बस हमारे आबा व अजदाद गुमराह ही सही, हमारे आबा व अजदाद गलती पर ही सही, लेकिन हमारे आबा व अजदाद हैं, हम उनका तरीक़ा नहीं छोड़ना चाहते। इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुक्तदून, मक्के वालों का जवाब ये था कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीक़े पर देखा है, हम उसी पर चलना चाहते हैं, हम उससे हटना नहीं चाहते, हम उसी पर चलना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने उनसे सवाल किया, ऐसा सवाल किया कि न उस दिन वो जवाब दे सके, न आज तक दे सके हैं, न क़यामत तक दे सकेंगे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, अपने बड़ों बुज़ुर्गों और आबाओ अजदाद के तरीक़े पर रहना एक फितरी बात है, एक अच्छी बात है, लेकिन अवलव का ना आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून, अगर किसी के माँ बाप हिदायत पर न हों, अगर किसी के माँ बाप अच्छी बात को समझने की अक़ल भी न रखते हों तो क्या तब भी उन्हीं की इत्तबा की जाएगी? दुनिया में तो तुम ऐसा नहीं करते,
बाप कहता है कि मत जाओ बाहर, यहीं रहो, जो भी अल्लाह दिया खाओ पियो। लेकिन वह कहता, अब्बा आपको अंदाज़ा नहीं है, आप नहीं समझ सकते, ये हालात नहीं हाथ काबू में आएंगे, हमारे मसले हल नहीं होंगे, मुझे जाना पड़ेगा, अब मुझे जा कर के कमाना पड़ेगा, तब जाके ये कर्ज़े अदा होंगे, ये मुसीबतें ख़त्म होंगी हम लोगों की, ये बहनें उठेंगी, ये मसला है, ये मसला है, आप नहीं समझते अब्बा। तो आदमी कहता है, अब्बा को समझाता है कि आप नहीं समझते, क्योंकि अब्बा को कोई समझ की बात समझ में नहीं आ रही है। तो समझाता है आदमी, मत पढ़ो बेटा, काम करो हमारे साथ, धंधे में लगो, मजदूरी को जाओ। बच्चा कहता है, नहीं अब्बा, पंडित लिखने के बाद आदमी की इज्जत होती है, मैं पहले पढ़ लिख लेता हूँ, मैं काबिल बन जाता हूँ, फिर मेहनत करूँगा, फिर कारोबार करूँगा, फिर आप जो कहेंगे करूँगा, लेकिन अब पढ़ लेने तो दो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, खेती बाड़ी से काम नहीं चलता, तालीम हासिल करके खेती बाड़ी करूँगा। तो जिसको शुऊर है, अगर बड़े बुजुर्गों को वो शुऊर नहीं है तो वो समझाता है और वो उसको शुऊर से, उस नुकसान से बचाता है जो नुकसान लाशुऊरी में कर रहा है, उससे बचाता है। किसी कारोबार के अंदर पैसा लगा रहा है, लाखों रुपए के नफे की उम्मीद है उसको, और अगर उसका बूढ़ा बाप कहे कि बेटा ये पैसे इतनी मुश्किल से कमाए हैं, इसे मत लगाओ, ये कहीं ख़त्म ना हो जाए, बेटा कहता है, नहीं अब्बा, ये पैसा पैसा लेके आएगा, इसको रखने से क्या होगा, इसको कारोबार में लगाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और इससे पैसा और लाएंगे, कब तक इसको रखे हुए रहेंगे। जो पानी नहीं निकाला जाता वो पानी सड़ जाता है, जब कुएं से पानी निकलता रहता है तो नया पानी आता रहता है, तरह तरह से समझाता है। अल्लाह ने फरमाया, दुनिया में तो ये सब करते हो, और जब बात हक की, हिदायत की, ईमान की, तौहीद की आई तो कहते हो, इन्ना वजदना आबाना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुक्तदून, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, अगर तुम्हारे बाप दादा हक पर हैं और तुम उन्हीं की इत्तबा करो तो वहाँ तुम्हारा ये बोलना बिल्कुल बरहक होगा, दुरुस्त होगा, काबिल कबूल होगा। देखो, तुम्हारे आबा अजदाद में यूसुफ हैं, इसहाक हैं, इब्राहिम हैं, इस्माइल हैं, याकूब हैं, ये तुम्हारे आबा अजदाद हैं ना, तो इन पर, इनके रास्ते पे रहो, इनके तरीक़े पर कायम रहो, इनके तरीक़े पर कायम रहो तो कह सकते हो, जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चों ने कहा, नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक इलाहुन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। अब्बा, आप पूछ रहे हैं कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, हम आपको तयक्कुन दे रहे हैं, आपके बाद भी आपके रब की, आपके वालिदैन के रब की, आबा व अजदाद के रब की, इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक इलाह वाहिद है, उनके रब की हम इबादत व बंदगी करेंगे। तो ये तो ठीक है, लेकिन इस्लाम ने बताया कि जो जवाब है ये जवाब नामाकूल है, ये जवाब काबिल कबूल नहीं। तो फिर उनके पास कुछ भी नहीं था। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब जो मुखालफत है वो हक और बातिल की बुनियाद पे नहीं है, अब जो मुखालफत है वो बुग्ज़ व अदावत और हसद की बुनियाद के ऊपर है, हसद की बुनियाद पर, बुग्ज़ व अदावत की बुनियाद पर है। तो लोगों की ज़बान से जब तब कुछ निकलता रहता था, यहूदी बोलते रहते थे कुछ ना कुछ, अब कुछ ना कुछ मुशरिकीन की ज़ुबानों से भी निकलता रहता था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क़द बदतिल बग़्ज़ा मिन अफ़वाहिहिम, इनके अंदर का बुग्ज़ इनकी बातों से ज़ाहिर होता रहता है, थोड़ा थोड़ा ज़ाहिर होता है, लेकिन वमा तुख्फी सुदूरहुम अकबर, जो दिलों में अभी छुपा के रखे हुए हैं वो ज़्यादा है, वो अभी लाए नहीं है सामने, वो बहुत ज़्यादा है जो दिलों में छुपा के रखे। अब ये बात अल्लाह ने क्यों कुरान में उतारी, और ये बात अल्लाह ने क़यामत तक अपनी सच्ची किताब के अंदर क्यों महफूज रखी। हर ज़माने में मुसलमानों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो लोग इस्लाम और मुसलमानों से बग़्ज़ व अदावत की बुनियाद पर इख्तलाफ़ रखते हैं, उन लोगों की बातों को ग़ौर से सुनने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अंदर का सब बाहर नहीं लाते,
कुछ लोग होते हैं जो बागैरत होते हैं, बाजुरत होते हैं, वो लोग जो अंदर है वो बता देते हैं, दिल की बात बता देते हैं, छुपाते नहीं हैं, दिल की बात बता देते हैं। कहते भाई हम आपके मज़हब से तो कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, हमें कोई ये मज़हब कबूल नहीं है, मिसाल के तौर पर हमें इस्लाम पसंद नहीं है, हमें इस्लाम कबूल नहीं है, लेकिन हम आप एक इंसान हैं, आपके साथ हम एक इंसान हैं, इंसानियत की बुनियाद पर हम आपके साथ ही हैं, हम एक कम्युनिटी हैं, हम एक कौम हैं, इसलिए आपस में एक दूसरे के हमदर्द हैं। बाकी यह है कि भाई ये जो तुम्हारा दीन है मुझे नहीं चाहिए, यह जो तुम्हारा अकीदा है मुझे नहीं चाहिए, ये शख्स दिल में बगज़ा नहीं रखता, ये दिल में बुग्ज़ नहीं रखता, ये जुरतमंद इंसान है, ये हिम्मत वाला इंसान है जो सच्चाई को ज़ुबान पे लाता है और दिल में बुग्ज़ को नहीं छुपाता, कह देता है ठीक है हम आपकी बात तो नहीं मानेंगे लेकिन आपके साथ हम दोस्त हैं, एक इंसान हैं, हम आप दोस्त हैं, एक दूसरे के हकूक़ अदा करो, एक दूसरे के साथ खुश रहो, कारोबार करेंगे, लेन देन करेंगे, पड़ोस में रहेंगे, एक दूसरे के भले बुरे के शरीक रहेंगे, बाकी तुम्हारा अकीदा तुम्हारा, हमारा अकीदा हमारा। जैसे हमारे नबी ने दो टोक कह दिया था, ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिया दीन, दिल में कुछ नहीं रखा, सीधी बात बता दी, ये मेरा अकीदा है, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, वो तुम्हारा अकीदा है, अगर तुम नहीं छोड़ते तो तुम जानो अल्लाह जाने, हमने हक बात रख दी, सच्ची बात बता दी, बस खत्म। ये हमारे अंदर ज़रूरी है, बिलखसूस इस दौर में पूरे आलम में रहने वाले मुसलमानों को, जो लोग भी इस्लाम के बारे में गैर संजीदा हैं, जो लोग भी मुसलमानों को इंसानी आबादी और इंसानी बिरादरी का एक हिस्सा मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और मुसलमानों ही को नहीं अपने अलावा किसी को भी इंसानी बिरादरी मानने के लिए तैयार नहीं है, इनकी बातों को संजीदगी से लेना, गौर से समझना चाहिए कि वो अंदर एक बहुत बड़ा बुग्ज़ अदावत का दरिया रखते हैं और उसमें से एक एक छींटा बाहर डालते हैं, एक एक छींटा बाहर डालते हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। कुरान ये बताना चाह रहा, कद बदतिल बग़्ज़ा मिन अफवाहिहिम वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, जो उन्होंने दिलों में छुपाया हुआ है वो बहुत बड़ी मकदार है, कभी कभी कुछ कुछ निकल जाता है बातों में ज़ुबान से। जैसे हमारे सामने बात आई एक बड़े लीडर की, हम आला नस्ल के लोग हैं, सारे अखबारात में आया, हिंदुस्तान में अखबार ही को इंटरव्यू दिया उसने, हम आला नस्ल के लोग हैं, 1000 साल पहले इस मुल्क के हम मालिक थे, हुक्मरान थे, 1000 साल से हम बाहर वालों से जंग की हालत में हैं, इसी वजह से हमारे लोगों की ज़ुबान से बाज़ मर्तबा सख्त बातें निकल जाती हैं, उसको उनकी मजबूरी समझकर दरगुजर कर देना चाहिए। हम कल इख्तदार में थे और फिर भी हम ही इख्तदार और हुकूमत करने वाले हैं, और मुसलमान इस मुल्क में बेफिक्र रहें, बेखतर रहें, परेशान न हो, बस मुसलमानों को चाहिए कि अगर वो अपने अकीदे पर रहना चाहते हैं तो अपने अकीदे पर रहें, और आबाव अजदाद के अकीदे पर आ जाना चाहते हैं तो वापस आ जाएं। और एक काम मुसलमान कर लें अमन से रहने के वास्ते, वो ये कि अपनी बालादस्ती छोड़ दें, हम उनको जिस दर्जे का इंसान समझते हैं उस दर्जे का इंसान समझ लें। बस ये एक इंटरव्यू में हमारे सामने बात आई, अखबारात में आई, मैंने भी अखबार ही में पढ़ा सब, ये कुछ छींटे हैं जो सीने में से निकले हैं। इसको आप इस आयत की रोशनी में देखो, कद बदतिल बग़्ज़ा मिन अफवाहिहिम वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, और अभी जो सीने छुपाए हुए हैं वो बहुत है, अल्लाह को मालूम है और किसी को नहीं मालूम है कि वो क्या क्या अंदर छुपाए हुए।
आगे क्या बोलना चाह रहे हैं। चूंकि इस्लाम आला और अदना की तकसीम नहीं करता इंसानों में, इस्लाम कहता है सब बराबर है। इस्लाम कहता है तुम एक माँ बाप की औलाद हो, एक छोटा एक बड़ा कैसे हो सकता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुउबन व कबाइल लितअरफु इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ए लोगो, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया है, तुम्हारी असल एक मर्द एक औरत ही है, उससे हमने तुमको पैदा किया है। वजअलनाकुम शुउबन व कबाइल, हमने तुम्हारे खानदान कबीले बना दिए हैं। ये सिर्फ तआरुफ के वास्ते बनाए हैं, लितआरफु अपनी पहचान कर सको, एक दूसरे को पहचान सको, तआरुफ करा सको, इसके लिए बनाए हैं। लेकिन कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अगर तुम में कोई ज़्यादा इज्जत के काबिल हो सकता है तो जो ज़्यादा ईमान वाला है वो हो सकता है, जो ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है वो हो सकता है, जो ज़्यादा मुत्तकी है वो हो सकता है। तकवा की बुनियाद पर तो ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन इंसानियत की बुनियाद पर कोई ऊंच नीच नहीं हो सकती, सब इंसान यकसां और बराबर हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, या अय्युहन नासु तक्कू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। हर निकाह के मौके पर खतीब खुतबे में पढ़ता है, ए लोगो अपने परवरदिगार से डरो, जिसने तुमको नफ्से वाहिदा से पैदा किया है, एक शख्स को खुद बनाया और उससे उसकी जौजा को बनाया और उन दोनों को मिला करके, बस मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, इन दो के ज़रिए से पूरे आलम में इंसानी आबादी को अल्लाह ने बना दिया। ये हकीकतें हैं जो कुरान बयान करता है। और कुरान कहता है, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम वला निसाउन मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरन मिनहुन्ना वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बिस्सल इस्मुल फुसूक बादल ईमान। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए लोगो, कोई किसी कौम की किसी कबीले की मसखरापन ना करे, मजाक ना उड़ाए। हो सकता है अल्लाह के नज़दीक वो उनसे बेहतर हो, और कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है कि वो अल्लाह के नज़दीक तकवा के एतबार से इससे बेहतर हो। इसलिए कोई किसी का मजाक मत उड़ाओ, कोई किसी को छोटा बड़ा मत कहो, कोई किसी को हकीर फ़कीर अमीर कबीर में तकसीम मत करो। ये तकसीमें अल्लाह ने नहीं की हैं तो तुम इंसान भी नहीं कर सकते ये तकसीम, कोई तकसीम मत करो। और ला तलमिज़ू अनफुसकुम ला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे लक़ब से भी मत पुकारो। जैसे हिंदुस्तान में रिवाज था, अंग्रेज़ों के दौर में फिर कानून बन गया, और उस कानून में किसी को हकीर लफ्ज़ से बोलने को काबिल ताज़ीर जुर्म करार दिया गया, उस पर सज़ा मिल सकती है, मुकदमा चल सकता है। इसलिए किसी को मत कहो। पहले कहा जाता था कि ये चमार है, ये धेड़ है, ये हरिजन है, ये फुला है, ये फुला है, अब सब पे पाबंदी लगी हुई है। पाबंदी लगाई गई इसलिए कि ये हकूक़ की हक तलफी थी लोगों की, लेकिन इसके बावजूद उसके दूसरे नाम रख लिए गए हैं, और दूसरे नाम रख के तकसीमें बराबर जारी हैं। वो नाम ख़त्म कर दिए जो पहले चलते थे, जिस पर कानूनी पाबंदी लगी हुई है, अब दूसरे नामों से फिर तकसीम मौजूद है। अब फिर अलल ऐलान खुले आम एक इंटरव्यू देते हुए ये कहना, जिसका इस वक्त हिंदुस्तान के इख्तदार पे मजबूत असर कायम है, उसका ये कहना, हम आला नस्ल के लोग हैं। आला नस्ल कौन है? कुरान कहता है कोई अदना नहीं, कोई आला नहीं, सब एक हैं, सब एक हैं। चूँकि मुसलमानों की ये किताब उनके नज़रिए फ़लसफ़े आइडियालॉजी की मुखालफत करती है, इसलिए किताब अच्छी नहीं लगती। ये किताब बहुत बुरी किताब है, ये किताब लोगों में नफ़रत पैदा करने वाली किताब है। भाई ये किताब तो नफ़रत ख़त्म करके जोड़ पैदा कर रही है, और आप कह रहे हैं कि ये किताब नफ़रत पैदा कर रही है। खिरत का नाम जुनू रख लिया, जुनू का नाम खिरत, जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा सास करे,
जो बोल तो वही सही है, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। शायर ने कहा मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, यही कहना चाह रही है लोग कि जो हम कह दें बस उसके लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए किसी हमें अक्ल से भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इंसानी बिरादरी में ऊंच नीच को अक्ल भी कबूल नहीं करती, इंसानी अक्ल भी कबूल नहीं करती। है जगह जगह ऐसा, हमारे मुल्क में भी है, दीगर मुल्कों के अंदर भी है, अमेरिका की भी यही सबसे बड़ी बदअमनी है और यही सबसे बड़ी मुसीबत है कि वो कालों गोरों की तकसीम करे हुए हैं कि काले जो हैं वो जलील हैं और गोरे जो हैं वो इज्जत वाले हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी और पूरी इंसानियत को सुनाया और सुना के फरमाया ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअबयद अला अस्वद इल्ला बित्तक्वा। लोगों सुनो, किसी अरबी को अरब होने की वजह से किसी अजमी पे कोई फजीलत नहीं हासिल है और किसी गोरे को गोरा होने की वजह से किसी काले पे कोई फजीलत हासिल नहीं है, इल्ला बित्तक्वा, जो अल्लाह का जितना वफादार होगा उतना उसका मुकर्रब होगा। ये कालों गोरों की तकसीम नहीं है, ये अरबियों अजमियों चीनियों यूनानियों की तकसीम नहीं है, ये इंसान हैं सब, सब इंसान एक माँ बाप की औलाद है। एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नासु बनू आदम व आदम खुलिक मिन तुराब, इंसानियत पूरी की पूरी आदम की औलाद है, चाहे किसी मजहब किसी दीन किसी कौम और किसी इलाके कबीले की हो, सब के सब आदम की औलाद हैं और आदम मट्टी से पैदा किए गए हैं। इसलिए लोगों मट्टी का मिजाज पैदा करो, तहम्मुल पैदा करो, बर्दाश्त पैदा करो, दूसरे को झेलना और सहना अपने अंदर पैदा करो और आजिज़ी और मस्कनत से रहो, क्योंकि अमन का रास्ता ये है। अमन का रास्ता सरकशी और तुग़यानी नहीं है कि साहब हम बड़े तुम बड़े, ये नहीं अमन का रास्ता। अमन का रास्ता ये है कि ज़मीन मट्टी से पैदा हुए हो, मट्टी की सिफात अपने अंदर पैदा करो। ज़मीन कितनों को भुगत रही है, ज़मीन कितना बर्दाश्त कर रही है, आप उसको खोद रहे हैं बर्दाश्त कर रही, आप उसके अंदर ड्रिल कर रहे हैं सैकड़ों किलोमीटर तक, तो भी यानी सैकड़ों मीटर तक खोद रहे हैं बर्दाश्त कर रही है, हज़ारों मीटर जा रहे हैं तहकीक और रिसर्च के नाम पे, कुछ नहीं कहती। सारे पहाड़ गायब कर दे रहे हैं उसके ऊपर से, कुछ नहीं कहती। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कायम कर रहे हैं, कुछ नहीं कहती। लोग उसके ऊपर सड़कें बना रहे हैं तो कुछ नहीं कहती। खेलो कूदो मारो पीटो, सबको सह रही है, सबको बर्दाश्त कर रही है। हज़रत अली सलाम ने फरमाया अन्नासु बनू आदम व आदम खुलिक मिन तुराब, सब इंसान आदम की औलाद हैं और आदम मट्टी से पैदा किए गए हैं। मस्कनत और आजिज़ी मुल्क में अमन ला सकती है, दुनिया में इंसानी आबादी को चैन सुकून और ख़ुशी से रहने का मौका फराहम कर सकती है, और अगर तकब्बुर आ जाए सरकशी आ जाए, मैं बड़ा हम बड़े हमारा कबीला बड़ा हमारा ख़ानदान बड़ा हमारी नस्ल बड़ी, तो फिर दुनिया में अमन कायम कभी नहीं हो सकता। दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता है अमेरिका, सबसे बड़ी पावर कहा जाता है अमेरिका, और इस वक्त तो बहुत कुछ टगाफर चल रहा है, लेकिन अब तक तो माना जाता था। इसके बावजूद उन्होंने इंसानों के ऊंच नीच के मसले पे काबू नहीं पाया, तो आज तक मुल्क को अमन और श्योरिटी हासिल नहीं है, रहने वालों को किसी से कभी किसी वक्त अमन हासिल नहीं है। बैंक लूट जा सकते हैं, लोग कत्ल कर दिए जा सकते हैं, कार में टैक्सी में रखे हुए चंद डॉलरों की वजह से जान से खेला जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। अमन कायम नहीं कर सका अमेरिका, इसलिए कि इंसानों की ऊँच नीच को ख़त्म नहीं कर सका। क्या सोचा जा रहा है इस मुल्क में, इंसानों की ऊंच नीच के फलसफे को वापस ला करके क्या अमन कायम किया जाएगा, या जो कुछ अमन इस भारत के दस्तूर की वजह से कायम है वो भी ख़त्म कर दिया जाए। क्या किया जाना चाह रहे हैं, क्या सोचा जा रहा है, क्यों ये बातें ज़बान से निकल रही हैं? तो कद बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफवाहिहिम वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, ये जो छींटे गिराए जा रहे हैं मुँह से बाहर, इन छींटों को सामने रख कर वो अंदर जो भरा हुआ है उसका अंदाज़ा करो, उसे समझो, उसे जानने की कोशिश करो। कुरान आपका रहनुमा है, कुरान आपको अकेला नहीं छोड़ा, कुरान ने आपको बेसहारा नहीं कर दिया, कुरान तो आपका सहारा बना हुआ है।
कुरान आपको रास्ता दिखाने के लिए सामने खड़ा हुआ है। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक लकीर खींच के सीधी और उसकी जानिब दो लकीरें खींची, इधर उधर इधर उधर बहुत सी लकीरें खींच दी और फरमाया ये जो सीधी लकीर है ये सिरात मुस्तकीम है और ये जो उसके आगे दाई नज़र आ रहा है ये दाई अल्लाह की किताब है जो मैं लेके आया हूँ और जो मैं तुमको दावत दे रहा हूँ ये सिरात मुस्तकीम का दाई है और ये दाहने बाएँ जितने रस्ते जा रहे हैं बड़े खूबसूरत रस्ते और इस पर बड़े खूबसूरत पर्दे बड़े पड़े हुए हैं लेकिन ये सब खूबसूरतियाँ फरेब है, दजल है, धोखा है, ये दज्जाली रास्ते जहन्नम में ले जाने वाले हैं और जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ ये कुरान का रास्ता सीधे जन्नत में ले जाने वाला है। हज़रत अलैहिस्सलाम ने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ समझाया बताया, मगर मेरे दोस्तों अजीज़ों हमें इस वक्त जितनी दूरी कुरान करीम से है शायद किसी चीज़ से इतने दूर हम नहीं होंगे। आज हम जितने दूर कुरान करीम से हैं किसी चीज़ से इस कदर दूर हम नहीं हैं। हम जितना अल्लाह की सच्ची किताब को ओपरा अजनबी समझते हैं इतना शायद किसी की बात को इतने अजनबी नहीं समझते। दुनिया के सारे झूठों की बात सुनने के लिए तैयार हैं, दुनिया के सारे मक्कारों दज्जालों की बातें समझने के लिए तैयार हैं, मगर अपने हबीब और अपने अल्लाह की किताब समझने के लिए तैयार हैं। अपने नबी को खैर ख्वाह नहीं समझ रहे। कोई एक बात कह दे कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है तो बस हम कहते नहीं भाई हम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं, रह सकते हैं मुल्क में, ये कह रहे हैं। लेकिन कुरान हमें कोई रास्ता दिखाए तो उस पर उतना भरोसा भी नहीं है जितना आरएसएस के लीडर के बयान पर मुसलमानों को भरोसा हो गया। बहुत सारे तालीम याफ्ता लोग वो हैं जिन्होंने इस बयान की ताईद और तारीफ की है कि भाई वो सही कहते हैं कि हमें दूसरे नंबर का शहरी बन के रह जाना चाहिए और वो सही कहते हैं कि हमें बालादस्ती और अपना बड़ापन छोड़ देना चाहिए। तो भाई बड़ापन तो हमने जिस दिन मुल्क आज़ाद करा के दे दिया था उसी दिन छोड़ दिया। अगर अपना हक जताते होते तो आज हमको तो ये नौबत देखनी भी नहीं पड़ती। हमने हक नहीं जताया था, हमने इखलास के साथ मुल्क के खातिर, मुल्क के लिए, मुल्क वालों के लिए कुर्बानियां देकर इस मुल्क को उस दुश्मन से आज़ाद कराया था जिस दुश्मन से आज़ाद कराना आपके बस में नहीं था। आप हार चुके थे, आप हथियार डाल चुके थे। जो लोग अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 1000 बरस से हम हालत जंग में हैं, जब दुश्मन को भगाना था तो कहाँ सो रहे थे, कब एक लम्हे के लिए जिन्होंने शिरकत नहीं की। बहुत से मैंने उसके बाद देखा कि बहुत से गैर मुस्लिमों के आर्टिकल्स अखबारों में आए और उन्होंने खुल के बात कही। मुसलमान को तो हिम्मत नहीं है कि खुल के तरदीद करे, लेकिन बाज गैर मुस्लिमों ने खुल के लिखा और कहा कि जो जब जिद्दोजहद आज़ादी हो रही थी, मुल्क को दुश्मन से, दुश्मन को मुल्क से निकाला जा रहा था, तो जिन्होंने अपने खून पसीने बहाए थे और जो लोग बिलों में छुपे हुए थे वो अब क्या बोलना चाह रहे हैं। खुल के लिखा लोगों ने, क्योंकि वही अब हिम्मत से बोल सकते हैं। अब तो मुसलमानों की हिम्मत तोड़ दी गई, ख़त्म कर दी गई। जितने लोग मुल्क में, रियासतों में, शहरों में बुलंद बांग थे, ऊंची आवाज़ थे, हक के लिए लड़ते थे, मुसलमान के लिए मुकाबले पे आ जाते थे, उन सब का इतना बुरा हश्र कर दिया गया है कि उसके बाद अब किसी को लीडर बनने की तमन्ना बाकी न रहे, कोई लीडर बनने की हिम्मत न कर सके। ये सब हुआ है, लेकिन काश कि ये पैगाम आता कि इंसानियत का एहतराम करो, इंसानियत में कोई तफरीक व तकसीम नहीं, इंसान सब इंसान हैं, एक दूसरे की इज्जत करो जो कुरान कहता है, जो नबी कहते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद गिरामी है इस मौजू पर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल खल्क़ु इयालुल्लाह, जितने इंसान हैं सब अल्लाह का कुंबा है। क्या फरमाया, हालांकि अल्लाह ताला वराउल वरा है, बंदे मखलूक हैं, वो खालिक है, लेकिन हमें समझाने के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एयाल। एयाल फैमिली को कहते हैं, कुंबे को कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अल खल्क़ु इयालुल्लाह, तमाम इंसान अल्लाह ताला की फैमिली है।
तमाम हैवान, परिंदे, दरियाई जानवर सब अल्लाह की फैमिली हैं, इंसान भी अल्लाह की फैमिली हैं, किसी भी कबीले ख़ानदान के हों। फ़अहब्बुल खल्क़ इलल्लाह मन अहसन इला इयालिही, अल्लाह को अपने बंदों में, अपने इयाल में, अपने कुंबे वालों में सबसे ज़्यादा महबूब वो बंदे हैं जो अल्लाह के कुंबे से मोहब्बत करते हैं, वो सबसे ज़्यादा महबूब अल्लाह को है। यह इंसानी तालीम जो कुरान करीम में है और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में अहादीस शरीफा तक हम तक पहुंची हुई है, चूँकि यही बुनियादी तालीम आरएसएस के नज़रिए ऊंच नीच, कोई मल्लिच है, कोई आला दर्जे का है, कोई जलील है, कोई इज्जत वाला है, कोई हुक्मरानी कर सकता है, किसी की किस्मत में ग़ुलामी ही है, कोई बहादुर बन सकता है, किसी को भीगी बिल्ली बन के ही रहना है, ये जो उनका अपना नज़रिया है और जो उन्होंने अपना एक आइडियोलॉजी और एक कानून बनाया हुआ है, इस कानून को अगर इस मुल्क के अंदर गलबा मिल जाएगा तो एक मुसलमानों का मसला नहीं है। इस मुल्क के अंदर कोई भी जिसको आला नस्ल नहीं समझा जाता है वो दुनिया में, इस मुल्क में चैन से नहीं रह सकता। बस चार लोग हैं जिनको आला नस्ल कहा जाता है और उन चारों के अलावा कोई आला नस्ल नहीं। इसलिए चार में से तीन आला नस्ल है। अब उसकी जो भी तकसीम हो, जो कुछ भी, अगर हम कुछ पढ़ते लिखते, कुछ जानते, मज़हबों का मुताला करते तो हमें पता होता कि किस मज़हब में क्या तालीमात हैं और किस मज़हब में क्या अकायद बनाए हुए हैं, हमें उसका पता होता। लेकिन हम चूँकि कुछ जानना नहीं चाहते, कुछ पढ़ना लिखना नहीं चाहते, अपने बावकार रहने के लिए आला तालीम तक भी मुसलमान जाना नहीं चाहते। कुछ पढ़ रही हैं तो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, लेकिन बच्चों को तो जवान होते ही आवारा गर्दी के अलावा कुछ भी, बड़ी 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 डिग्रियों तक पहुँचो, आला तालीम हासिल करो, मज़ाहिब का तकाबुली मुताला करो, तारीख़ और हिस्ट्री को पढ़ो, आपकी हिस्ट्री पूरी की पूरी कम्प्लीटली चेंज की जा रही है। आप पहले से जान के रहो कि सच्चाई क्या है और हमारी हिस्ट्री क्या है, इसको जान के रहो। वर्ल्ड में हमारी क्या हिस्ट्री है, इस कंट्री में हमारी क्या हिस्ट्री है, माजी में हमने इस मुल्क को क्या दिया है, जब हमारा इख्तदार था तो क्या हमने ये नफ़रतें चलाई थी, क्या हमने लोगों को बांटा था, क्या ये हुआ था। लेकिन कहा यही जा रहा है कि मुस्लिम इख्तदार में जुल्म जुल्म और जुल्म के अलावा कुछ नहीं था। आपके बच्चे मानने पर मजबूर हो रहे हैं, आपके बच्चों को यही तारीख पढ़ाई जा रही है और उनके जहन इसी के मुताबिक बन रहे हैं, लेकिन आप नई तारीख पढ़ेंगे, आप मोबाइल में गेम खेलेंगे, आप हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे? आप नबी की नहीं पढ़ना चाहते तो मुल्क की क्या पढ़ेंगे? भाई ये गफलत ख़त्म करो। कोई भी कौम मुश्किल हालात में बाशुऊर तरीक़े पर कामयाबी का रास्ता निकाल सकती है इस गफलत के साथ, इस जहल के साथ, इस बेइल्मी के साथ, इस गफलत के साथ कोई भी कौम अपने लिए कामयाबी का रास्ता नहीं निकाल सकती। अल्लाह के वास्ते तालीम भी अच्छी हासिल करो, मेहनत से हासिल करो, आला दर्जे तक पहुँचो, प्रोफेशनल्स बनो, ताकि उन मैदानों में हम कुछ अखलाक इस्लामी के ज़रिए से इस्लाम का सही तारुफ करा सकें और वहाँ पहुँच कर बता सकें कि एक मुस्लिम डॉक्टर ऐसा होता है, मुस्लिम इंजीनियर की ये शान होती है, मुस्लिम टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर इतना अच्छे अखलाक का हामिल होता है कि लोग उससे मोहब्बत करें और प्यार करें, उसके सामने झुकें। ये हम करके बता सकते हैं, पढ़ना इसलिए था, लेकिन हम उसके लिए भी नहीं पढ़ते, कमाने के लिए भी नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, शुऊर दे, इस कौम को इल्म का ज़ौक नसीब फरमाए जिसकी बुनियाद ही इल्म की बुनियाद पर है। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से जो कुछ कहा सुना गया है इसमें तदब्बुर करने, गौर करने, फ़िक्र करने और कुरान करीम से बेहतरीन रहनुमाई हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।